और भिंड के रोन कस्बे में रंजीतानंद जूनागढ़ अखाड़ा बाबा आश्रम में ऐसी ऐसी मान्यता है कि निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। बता दें कि लोगों का कहना है कि निसंतान दंपतियों को मान्यता अनुसार मंदिर पर जाकर संतान की प्राप्ति होती है। वहीं लोग संतान प्राप्ति के बाद आश्रम रोन पर चढ़ाने के रूप में पालना ही चलाते हैं। बच्चों के लिए तो यहाँ राम माड़े लाया, जो जो कहीं भी नहीं हो रहा हो, जो डॉक्टर ने मना कर दिया हो, यहाँ आके होते हैं बच्चे। और हम खुद उदाहरण है, दो बच्चे हमारे यहीं के हैं। एक हमारे भाई का है, वो 15 साल बाद हुआ था, यहीं हुआ था, हम भिंड से आए हैं, हाल में अभी ग्वालियर रहते हैं। हमारे पास बेटा नहीं है तो इसलिए आए थे, तो बाबा जी ने 8वें महीना पूरा होने के बाद 9वें महीने में बुलाया। शादी हमारी 2013 में हुई है, 8 साल हो गए शादी को। कैसे पता लगा कि यहाँ पर हमारे गांव में काफी लोगों को बेटे हुए हैं, तो उन लोगों ने बताया था, उन्हीं के उससे आए थे हम लोग। और जो नवोदय स्कूल में मैंने अपना अप्लाई किया, तो मैंने उसमें वहाँ टीचिंग में मैं पास हो गया। करीबन 12 साल तक मैंने वहाँ टीचिंग की। उसके बाद में मेरे घर वालों ने मेरी शादी की तैयारी की। शादी न होने के कारण किसी भी विद्वान से मैं थोड़ा, सिद्ध बाबा ने मेरे को पागल कर दिया। पागल करने के बाद में मेरे पास परमात्मा की कृपा, एक कन्या के द्वारा खबर मिली कि तुमको सिद्ध बाबा इस पर के पागल के हैं, तो बाबा की मेरे पास सिद्धि आई। मैंने संन्यास लिया, मैं संत बना हूँ। मेरा नाम संत रूप में है, रंजीतानंद सरस्वती नागा सन्यासी जूना अखाड़ा। लेकिन ये नाम मेरा एक गुरु महाराज के नाम से लेकर लाल प्यार का नाम हमारा, जो गाँव दात में बोलते हैं, वो चारों एरिया में जो नाम चल रहा है, वो भिंडी बाबा के नाम से विख्यात है। भिंडी ऋषि के नाम से मंदिर है, रोन गांव में पड़ता है, जिला भिंड पड़ता है अपना। और परमात्मा की, सिद्ध बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनने मेरे को वरदान दिया कि भिंडी ऋषि जिसके सिर पे तू हाँ रख देगा, वो बच्चे वाली माँ बनेगी। वो आज तक बच्चे वाली माँ, किसी भी प्रकार से वो बेचारी परेशान हो, चाहे उसका कोई टेस्ट भी फेल हो गया हो, या उसके अंदर कोई भी बच्चा ना होने की कमी हो, पति नपुंसक हो, यहाँ केवल हम दुआ देते हैं, गोश से नारियल देते हैं।